ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आने का चांस आपकी आरकेसीएल की परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है? राजस्थान ई वॉलेट। तो इस प्रकार से पहले का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं होम पेज। तो इस प्रकार से दूसरे का बी ऑप्शन सही होने वाला है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, व्यक्ति का नाम, फोटोग्राफ, आईडी स्कैन्स, ये तीनों ही आधार कार्ड से संबंधित हैं, जबकि CVV डेबिट कार्ड से संबंधित है। इसी के आगे अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन, विंडोज 10 में कौन एक आवाज संचालित निजी सहायक है? दोस्तों तो वो है कोर्टाना। तो इस प्रकार से चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे अब आप इस पेपर का पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, आप किस केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं? तो उस केबल का नाम है USB, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस प्रकार से पांचवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के आगे आप देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, केस मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। दोस्तों तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। बी कथन पढ़ लेते हैं, केस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। तो इस प्रकार से छठे का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आगे आप सातवां क्वेश्चन देखिए, MS Word 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें? हाइपरलिंक को आप कंट्रोल कुंजी दबाकर और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करके खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सातवें का डी ऑप्शन सही होने वाला है। आठवां क्वेश्चन आता है, MS PowerPoint 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट, इसके बीच मूल अंतर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जैसे कि पाठ, आकृति और चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। आगे अब आप देखिए नौवां क्वेश्चन, IP पते में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है? तो वो करता है DNS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो इस प्रकार से नौवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दसवां क्वेश्चन देख सकते हैं, MS Word 2010 में कौन एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है? तो जस्टिफाई जो क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट होगा।